नमस्कार मैं हूँ अक्षयानंद आप लाइव सिटीज देख रहे हैं हमारे साथ मोकामा विधायक अनंत सिंह हैं हम बात करेंगे कि जब से अनंत सिंह ने मोकामा विधायक मुंगेर सीट से दावेदारी की बात की है तब से कुछ करीबियों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो रही है आपके नजदीकी भूषण सिंह हैं उनके घर पर छापा पड़ गया किस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को सरकार का सब साजिश है यार का तंग किया जा रहा पहले किया कि आखिर दो अपराधी ललन सिंह का माला पहनाया था अच्छा। है छापा मारा शो करने के लिए कि लल्नो सिंह पर छापा मारते हैं अब निर्दोष आदमी पर छापा मारना शुरू किया है जो लाइसेंस जिमा में है तो कहना लाइसेंसी राइफल लाए हैं ऐसे उठा उठाकर ले आए हैं और लाइसेंस राइफल साथ ही साथ है ले गया है लाइसेंसी राइफल बे मतलब के न कोई केस है न कोई मुकदमा है सब केस भी कुछ है तो सब में बेल होल है इस तरह से छापेमारी मारी की गई जैसे कि कितना बड़ा अपराध किया हो हाँ ठट घर में मारा केस की में मारा के वो बुतरू कहाया है कि हमको भूषण सिंह के हैं कान सिंह के वोट दी है कहीं ना कहीं इसी बात सामने आ रही है जो आपके विरोधी रहे हैं लोग है रैली हाँ। में रोड पहले से पांच दिन से जाम कैले है बाढ़ बाढ़ में बाड़ में कि रैली जाएगा कैसे अट्ठाईस तारीख के अठारह तारीख के विरोधियों जो लोग जिसने यह अर्जी डाली जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की उनके इतिहास आपसे आपके विरोधियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं हाँ विरोधी साथ रहता है और नाम के आदमी मिलता है भी नहीं करो खोजला से नाम कुछ बता दिया नाम कुछ है अच्छा वो अपराध है गाँव आर में नहीं रहता है और रोड शो है अठारह से तो उसको लेकर के भी कुछ विरोध तो ये यह नहीं कर जाए कनन सिंह के आदमी दहशत फैलाओ जब भगदर मत जाए कोई रैली में अठारह नहीं जाए गाड़ी घोड़ा को रोड जाम कर दे नहीं पहुंचे वहाँ सब ये ताहि है तो अठारह से क्या कार्यक्रम क्या चलने वाला सब लोग से मिलेंगे हाँ सबसे रोड पर मिलेंगे मैसेज देंगे कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं तैयारियां कैसी चल रही हैं तैयारियां बढ़िया चल रही है सब लोग से मिलना जुलना हाँ, हाँ सबसे हाँ। मिलना जुलना है यहाँ पटना भी आकर लोग मिला मुलाकात हाँ पटना हरदम आकर लोग मिलते हैं तो 18 से जो शुरू होगा फिर दावेदारी एकदम पक्की रहेगी नहीं पक्की है आज भी पक्की है 18 तारीख भी पक्की रहेगी पक्की रहेगी अच्छा महागठबंधन से क्या बातचीत चल रही है हमारा बातचीत कुछ नहीं चला है कांग्रेस आपको लेकर के प्रो थी अखिलेश सिंह कह रहे थे कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होगा तो वो अब बढ़िया बात बोल रहे हैं उनका ऐसा इच्छा है तो तैयार है और नहीं भी तो निर्दलीय तो जाना ही अब निर्दलीय लड़ेंगे अरुण कुमार है रालोसपा वाले उनकी भी बीते तीन दिनों से नजदीकी हो गई है महागठबंधन से कहा जा रहा है कि मुंगेर से लड़ा दिया जाएगा आप ही के समाज से आते हैं नुकसान उठाना पड़ता है।, है सब लड़े लेकिन निर्दलीय आप भी उतरेंगे हाँ हम दलिय उतरे चाहे निर्दलीय उतरे उतरेंगे जरूर अच्छा तो अरुण कुमार को लेकर के कुछ सबसे कुछ निर्णय देना है एक सौ लड़े उससे क्या मतलब पहले राजद से भी विरोध उत्पन्न हुआ लेकिन फिर अंदर खाने से खबर है कि लालू यादव को भी आपके नाम से कोई आतराज नहीं है अगर आप आते हैं तो जी, जी सब आप सब आप लोग जानते जानते होंगे हम नहीं हैं तो अब आप तेजस्वी यादव में कैसा नेता देख रहे हैं हम तो बढ़िया बोल रहे हैं कि बढ़िया दिख रहा है हाँ। और राहुल गांधी के भी नेतृत्व को स्वीकार वो भी बढ़िया निर्दलीय जीत कर आए तो कांग्रेस को कांग्रेस में जाएंगे समर्थन दे देंगे हाँ अच्छा वीना देवी का एक बयान आ गया आपने सुना होगा उनको क्या दिक्कत होने लग गई आपसे हम अब जाकर उसको नहीं पूछे दिक्कत हो में कि इसको है कहा दिक्कत हो रहा है कह रही है कि आपको डर लगता है आपको कोई नहीं पहचानता हाँ तो कह तो दिए हमें कि साथे हमारे वह रहता है वह देखता है हमारा डर लगता है वह हमारा बाथरूम ले जाता है लाता है तो इसमें कहने का क्या बात है वो हमारे भी देखे ना बैठा है के जो देख रहा है तो कुल मिलाकर दावेदारी पक्की है समाज के भी लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि मुंगेर सीट अब एक हॉट सीट हो गई है पूरे देश में लेकर इसको चर्चा होने लगी है आपके आने के बाद से तो हाँ उसमें हम क्या हमको करेंगे इलेक्शन हम लड़ना है अब चर्चा हो जाए समुचे देश विदेश में उससे हमको क्या लेना देना है सरकार के विरोध में जा रहे हैं ललन सिंह पहले आप भी उन लोग के साथ रहे लेकिन अब कितना आदमी इलेक्शन लड़ रहा है सरकार से टिकट लेकर लड़ रहा है सरकार के साथ है विरोधी सपोर्टर सगड़ो रहता है सरकार के कहीं ना कहीं फिर आप पर कार्रवाई अलग अलग प्रकार से आप तो हो रहा है कार्रवाई करें उससे हमको क्या लेना देना है हम कोर्ट जाएंगे हम हाई कोर्ट खुलेगा तो हम जाएंगे कि रो हमको अठारह था, तारीख को रैली ले जाने में दिक्कत करेंगे जाने नहीं देंगे हमको आदमी पकड़ रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे थाना पुलिस में तो कहीं नहीं उपाय है तो कोर्ट जाएंगे आपके समाज के लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है लगता है कि नीतीश कुमार चाहते नहीं कि कर रहे हैं तो कोर्ट जाएंगे कि तंग किया जा रहा है मतलब के आदमी के हम कोर्ट जाएंगे कहेंगे जाके कि चार चार गो एम्बुलेंस लगल रहता है मरीज मरल रहता है जाम में उसको कोई देखने वाला नहीं है और कोई जाके कह दे खाली थाना में कि फलना डाटा है तो केस हो जाता है और उसका केस लेता है तो हम कह देंगे तो ले लगा आदमी भेजवा देंगे कि इसे बोला फल्ना जाएगा उसके घर पर छापा मारने के लिए कितना जुलुम करेगा जुलूम का अंत तो होता है और मुंगेर के दुख सुख से आप जुड़े हैं अगर कोई परेशान होगा तो आप वहाँ पहुंचेंगे हाँ पहुँचेंगे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप किस बात कर नेता है हम नाम सुनने के लिए नहीं चाहते हैं जिसको कुछ है नहीं है नेट मोबाइल देखिए कुछ बोलता है तो लोग क्या उनसे बोलता है आप लोग देखिए ना बढ़िया से उस सबको हम नामों नहीं जानते हैं ना नाम सुनने के लिए चाहते हैं में जब निर्दलीय निर्दलीये नहीं है आ, क्या सुने में आपसे भिड़े थे आज दलिये लड़े थे गठबंधन से पुदीना करा हमारा बड़हर बन रहा अपने तो बड़हर कौन बढ़िया गाछ होता है जो कोई काम में नहीं उबर के गाछ आता है लकड़ी बनवे में कुछ कोई चीज में नहीं अब पुदीना तो बहुत काम में आता है मोकामा से जब आपने निर्दलीय हरा दिया तभी अब लोगों को लग रहा है कि कहीं भी बोलने वाला क्या है अपने हार का आया हाले गठबंधन से और इसीलिए लोगों को यहाँ बड़ हमको बना रहा पुदीना तो बड़ तो कोई काम बढ़िया बड़े है वो बड़ कोई काम हो आता है कि कभी पुदीना तो बीमारियों में लगता है चट्टी रोज पीछे खाता है काम में आता है ये कौन काम में आवेगा वो अब टेब के भी अपना नाम रखा है बड़े है बे काम का चीज कोई काम का नहीं और जब निर्दलीय आप मोकामा ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आशंका आप लोगों को यह भी हो रही है कि मुंगेर भी निर्दलीय कहीं आप ले जाएं? ले जाए 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 जीत तो कि कि लड़ रहे हैं लड़ता आदमी इसीलिए जो विपक्ष है वो थोड़ा सा एन गठबंधन है वो चिंता में है कि कैसे इस समीकरण चिंता तो जो रहे वो जाने हमको लड़ना है जनता मालिक है जनता हमको वोट देंगे हम जीतेंगे चलिए तो अनंत सिंह जी ने बड़े ही मुखरता से सारे सवालों का जवाब दिया आरोप लगाया कि जो एन है वो इन्हें परेशान करने का प्रयास कर रही है इनके लोगों पर कार्रवाई हो रही है लेकिन बावजूद जनता मालिक है जनता का जो आदेश होगा वो मानेंगे और जरूर लड़ेंगे महागठबंधन से मिला तो ठीक नहीं भी तो निर्दलीय दावेदारी पक्की है बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स लाइव सीरीज आप तक पहुंचाता रहेगा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया